मेरे प्यारो भक्तों, जय श्री राधे राधे। भक्तों, यदि आप मेरा ये YouTube का चैनल पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी पुश कर कीजिए, जिससे मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आज हम करते हैं एकादशी के बारे में। एकादशी जिन भक्तों को शुरू करनी है तो वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करें, और जो उसके नियम वगैरह हैं वो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको सर्च करके देख लीजिए। चलिए आज हम एकादशी महात्मा की कथा और उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, विधि सहित इस एकादशी का महात्मा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने हरि कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, एकादशी व्रत का महात्मा क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है? उसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को, मतलब एकादशी के एक दिन पहले दातून करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह संकल्प नियम के अनुसार कारण करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, और चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वकांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे उदस्तापी वराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृतके हर में पाप यन्मया पूर्वक संचितम् तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्। स्नान के बाद धूप दीप नवय से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सभी सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए श्री हरि का नाम जप करना चाहिए, तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या इससे प्रसंग से सर्वदा दूर रहना चाहिए। हृदय में शुद्ध एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव उचित नहीं है। जो मैंने पहले विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, जो मैंने विधि बताई उसके अनुसार जो एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखो द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रत के पुण्य से 16 भाग के बराबर भी नहीं है। हे पांडु श्रेष्ठ, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग में के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने को का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में सर्वदा वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से च्युत कर दिया। तब देवेंद्र ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, है कैलाश पति,
हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं को तो बात ही क्या है। अतः हे देवादिदेव, आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। तब शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले श्रीहरि देवताओं को अवश्य भय से मुक्त करेंगे। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के आदेशानुसार क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर सभी देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवादिदेव, आप स्तुत करने योग्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देवगण दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम देवता बड़ी दयनीय स्थिति में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देवादिदेव त्रिलोकपति, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुणा वाणी सुनकर श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? तुम सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवों को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था, जिसका मूर नामक एक पुत्र था, जो चंद्रवती नामक नगर में निवास करता था, जिसे अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया था और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुर को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना लिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को संहार करके देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु को शीघ्र ही संहार करूंगा। मुझे तुरंत ही चंद्रवती नगर में ले चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुन ने अपने तेज से ज्ञान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानों अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं के मन में तो पहले ही भय समाया हुआ था। वे अधिक देर तक दैत्यों के सामने टिक न सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्र को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए मृत्यु के गोद में सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बाका नहीं हुआ था, वह बिल्कुल बेखौफ होकर युद्धरत था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर ऊपर पशुओं के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उनको ना जीत सके। तब आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमावती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उन्होंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला आया था। तब श्री विष्णु को सोते हुए देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसका ख्याल था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उसे देख कर दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि ये ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और वह फिर दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। तब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उससे मल्लयुद्ध करने लगा।
उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूरी उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह दर्द पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बचे कुछ असुर उसका ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देखकर वे उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, ये दैत्य आपको मारने की उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, तब मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तूने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगा, मैं तेरी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा। कन्या बोली, हे जगदीश्वर, मुझे इस वरदान दीजिए कि जो प्राणी या देव मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्त पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वह धन दान से भरपूर रहें। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार में प्रसिद्धि का प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ, क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुझे उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे, अंत में वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए तीज, अष्टमी, नौमी और चौदह से भी अधिक प्रिय है। मेरे तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, ये मेरा स्पष्ट कथन है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्धान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडु नंदन, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों से व्रतों व सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को शत्रुओं को मैं समूल नष्ट कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं होती है मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। तात्पर्य यह है कि मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी का व्रत स्मरण पापों को नष्ट करने और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों को एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्मा का श्रवण व पठन करेंगे वे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करेंगे, ये मेरा सत्य वचन है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये थी एकादशी कथा। इसका सार क्या हुआ? ये एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति से उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान की जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं? जिस शक्ति से ने देवताओं को सुख दिया वे प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती? सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी की कथा आप एकादशी वाले दिन जरूर सुनिए। यदि आपका किताब ना हो तो ये वीडियो खोलकर ही सुनिए। जय श्री राधे राधे।